हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो पॉप 6 प्रो फ़ोन है, तो टेक्नो पॉप 6 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी आप कैसे कर पाएंगे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप फ़ोन के आइकन शो कर सकते हैं। सिंपली आइकन शो करें तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में एनिमेशंस की स्पीड है, तो एनिमेशंस की स्पीड को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में और कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, असेंबली इस पे जाना है। आपको जाना है स्पेशल फंक्शंस पे, स्पेशल फंक्शन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। एक्सेसिबिलिटी पे जाकर, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाकर, इस पे जाकर आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन कर लेना है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट्स का आइकन है आपके फ़ोन में शो हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप शॉर्टकट आइकन्स के ज़रिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ से आपको पावर आइकन्स पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही जो भी आपकी पावर बटन की प्रॉब्लम है इसको ऑन करते ही सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट, पावर ऑफ भी आप कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल भी आप कर सकते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटो रिस्टार्ट करना चाहें तो इस पर टैप करके रिस्टार्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।